नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आदि पुरुष को लेकर जब बवाल मचा तो कई लोगों ने मांग की कि प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको बदल देना चाहिए क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। अब मेरी सलाह है कि संसद भवन में जो कैमरा प्रोडक्शन टीम है उसको लीड करने वाले व्यक्ति को सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष बना देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को सेंसर करने का काम बाकायदा खूबी से किया जा रहा है। आज अमित शाह ने जब भाषण दिया तो मैं आपको दिखाता हूं कितनी बार कैमरा स्विच किया गया और विपक्ष को सेंसर किया गया। अमित शाह दिल्ली को लेकर जो बिल आया उस पर बोल रहे थे संसद में, और दो मिनट के वीडियो में देखिए कितनी बार कैमरा स्विच होता है। ये देखिए, पहली बार पोस्टर आया, फिर ओम बिरला पर कैमरा चला गया और कई देर तक ओम बिरला पर ही कैमरा रहता है क्योंकि, और ये देखिए दूसरी बार आया तो फिर ओम बिरला से कैमरा हटके अमित शाह पर आ गया। अब तीसरी बार आया तो देखिए फिर से ओम बिरला पर चला गया कैमरा। फिर से देखिए कितनी चुस्ती के साथ बदला है, चार बार हो चुका है। ये देखिए यहां पर आया तो अब देखिए कैमरा कहां पर जाएगा, इंडिया फॉर मणिपुर वाला जो है। अब ये देखिए फिर से ओम बिरला पर आ गया, पांच बार हो चुका है कुछ सेकंड में। अब देखिए ये कैमरा संसद के बाकी सदस्यों पर चला गया ताकि वो पोस्टर दिखाई ना दे जाए। देखिए अब जो है फिर से पोस्टर आ गया तो देखिए फिर से संसद के बाकी सदस्यों पर कैमरा चला गया, अब तक छह बार जा चुका है। ये देखिए अब फिर से आया बैनर तो फिर से बाकी सदस्यों पर चला गया, सात बार। ये फिर से आया तो आठवीं बार चला गया। ये देखिए अब अमित शाह पर कैमरा है और अब जैसे ही पोस्टर आएगा तो देखिए आप क्या खेल होता है। ये पोस्टर आया और देखिए कैमरा फिर से स्विच हो गया, नौ बार हो चुका है। अब देखिए अमित शाह पर कैमरा है, अमित शाह बोल रहे हैं, इसके बाद ये पोस्टर आता है विरोध का और कैमरा बाकी सदस्यों पर आ जाता है, दस बार हो चुका है। अब ये ओम बिरला पर कैमरा आ गया, यहां पर पोस्टर आया तो फिर आ गया, ग्यारह बार हो चुका है। ये देखिए बारह बार, देखिए अमित शाह का साइड वाला एंगल है कैमरामैन का, फिर से तेरह बार। ये देखिए ओम बिरला पर चौदह बार पोस्टर देखकर कैमरा स्विच किया गया है। यह अमित शाह का भाषण खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कि करीब एक डेढ़ मिनट का वीडियो है और इसमें अमित शाह के भाषण के दौरान 14 बार कैमरा स्विच किया जाता है ताकि विपक्षी सांसदों का विरोध दिखाई ना दे सके। सिर्फ अमित शाह के भाषण की बात नहीं है, विपक्षी सांसद जब संसद में अपनी आवाज उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि लगातार कई मिनट तक कैमरा सभापति पर होता है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो या चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, लगातार कैमरा उन पर रहता है कि विपक्षी सांसद दिखाई ना दे जाए। इसे कहते हैं संसद में विपक्ष को सेंसर करना। और विपक्षी सांसद ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब वो अपनी मांग उठाने की कोशिश करते हैं तो माइक तक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई बार ये आरोप लगाया है। आप विपक्षी सांसदों की ऐसी सेंसरशिप को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।